ऑलराइट गाइस एंड थैंक गॉड देयर इज नो जीएसटी ऑन ऑलराइट। मतलब अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ये रोटी है, इसे 5% जीएसटी है। यहां तक की बात हो गई थी। मतलब अगर समझा जाए तो ये इतना निकल गया, ये कौन लेके जा रहा है? समझ रहे हो ना? नो, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर एंड दे विल एक्सप्लेन अस दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। एंड इट्स नॉट गवर्नमेंट फॉल्ट, अग्री विद इट। यस, देयर आर फैक्टर्स, रशिया यूक्रेन वॉर एंड हर देश की करेंसी गिर रही है। ये तो यूरो का डेप्रिसिएशन 14% हुआ, पाउंड भी 13.9% नीचे गया, पाकिस्तान की करेंसी 24%, लंका 45%, उसके सामने रुपी जो है वो डॉलर के सामने 5.4% नीचे गया है। फलाना ढिकाना सब मानते हैं, पर एक वर्ड था, कौन सा? मास्टर स्ट्रोक। एग्जैक्टली, वेयर इज दैट मास्टर स्ट्रोक नाउ? देखो, वाहवाही उसी की होती है जो प्लेयर्स डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल के मैच जितवा दे। ऐसे ही अगर देश मुसीबत में फंसे तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाए। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। ये नहीं कि हम हर चीज का दाम बढ़ा देंगे, क्या करें, अब सब कुछ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट द राइट आइडिया। इफ यू रिमेम्बर, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी हियर, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर एक्चुअली गोइंग थ्रू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। मैं किसी पार्टी पुटी को सपोर्ट नहीं करता, मैं दोनों लीडर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं अटल जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मनमोहन सिंह जी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि हम उनको ट्रोल भी बहुत किया। चलता नहीं, बट ऐसा टेंशन आया था, बट ही एक्चुअली सेव्ड अस फ्रॉम दैट। 30 साल पहले 24 जुलाई को मनमोहन सिंह ने देश का वो ऐतिहासिक बजट पेश किया था जिसके बाद देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और बाद के सालों में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में भारत ने अपनी जगह बनाई। You know, so government should do something, take some important steps. देश की इकोनॉमी को हम pre-1991 और post-1991 के जरिए से समझ सकते हैं, क्योंकि यही वो साल था जब देश ने उदारीकरण के रास्ते पर चलने की शुरुआत की और देश का आर्थिक माहौल बहुत तेजी के साथ बदलता चला गया। So the free fall of rupee will stop. Trust me, it's breaking my heart. सच में दुख हो रहा है। If you love your country, you will feel sad about it. $1.80 का हो रहा है, पनीर, दही, रोटी, इन पे 5% जीएसटी लग रही है। We love our country, that's why we are seeing all these things. Play some master stroke और benefit कर सकता है, या नाले की गैस से चाय बना दो, कुछ तो कर दो मोदी जी, बस चलता बढ़िया कर दो कंट्री को, सब बस इतना चाहते हैं। That's it. देश संकट में, एंड वी ऑल शुड थिंक टूगेदर फॉर द कंट्री। कुछ कुछ करिए मोदी जी, कुछ ऐसा कीजिए कि बस मजा आ जाए। हमारा जो विकास है ना, वो ऐसे ये जाते जाते यहाँ पे अटक गया। भाइयों बहनों, बस बाकी सब तो ठीक चल रहा था, तो कुछ कुछ कर दीजिए मोदी जी। सुनते हैं आप, कुछ कीजिए, कुछ कुछ a+b का स्क्वायर 2 स्क्वायर कुछ कर दीजिए। चल भाई, ये एक्स्ट्रा 2a भी मिलता है कि नहीं मिलता है? सच में यार, भगवान से ही प्रार्थना है कि ये जब कैसे भी रुक जाए, हमारा रुपया मजबूत हो जाए और चीजें ठीक हो जाए, बस यही प्रार्थना है हमारी। इस वक्त देश को सच में एक मैजिक की जरूरत है, कुछ ऐसा कर दो मोदी। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट एवरीवन इज आस्किंग इन द कंट्री, व्हाई आर डियर मोदी जी इज विनिंग एवरीवेयर, और कैसे जीत जाते हैं हमारे मोदी जी हर बार। एंड देयर इज अ ऑडियो बुक ऑन कुकू FM एंड इट्स बाय मिस्टर प्रशांत झा, कैसे जीतती है भाजपा। सीरियसली, कैसे? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक, यू शुड लिसन टू इट, एंड इट्स ऑन कुकू FM. व्हाट इज कुकू FM? कुकू FM इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म विद द रेटिंग ऑफ 4.5+. हर कैटेगरी की बुक आपको मिलेगी, फाइनेंशियल, मोटिवेशन, यू नो, इंफोटेनमेंट, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर। राइट नाउ देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन कुकू FM. इफ यू आर अमंग फर्स्ट 250 पीपल, तो आपको कुकू FM आधी कीमत में मिलेगा। बस ये कूपन कोड आपको यूज करना है, तो करना। Also, now let's come back and meet this politician. He lost the election, then he went for the refund. उसने सबको पैसे दिए कि मुझे वोट देना, फिर वो चुनाव हार गया तो लोगों के पास पैसे लेने पहुंच गया कि मुझे पैसे वापस दो, तुमने वोट नहीं दिया। चेक तो करो। चुनाव हारने पर उनके कार्यकर्ता गांव वालों से वसूली करने पहुंच गए, वसूली का वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस के चश्मे में वो दिखे हैं, अब जाकर मामला दर्ज हुआ है। Also, there is something to feel good about it. Yes,
टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। पंत ने कमाल कर दिया था, मैच जीत गए, वनडे सीरीज भी जीते, T20 भी जीते और 2-1 से ये श्रृंखला भी जीत ली है। क्या कमाल की पारी खेली है यहाँ ऋषभ पंत ने। और सबसे ज्यादा मजा आया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, रवि शास्त्री साहब दिख गए। तूने शैंपेन की बोतल रवि शास्त्री को दे दी। यार पियो यार, तुम पियो, नहीं तुम पियो यार, सारा विकास तो दारू में ही हो रहा है। सो या दैट वाज द मोमेंट। प्यार की है यारी निभानी। नाउ आवर इंडियन क्रिकेट टीम इज हेडिंग टुवर्ड्स वेस्ट इंडीज। और जहां तक कोहली साहब की बात की जाए तो यार आज भी आउट हो गया। हट यार हट। भाई बैट क्यों फेंक रहा? भाई मेरी मर्जी, मेरा सामान तो कौन रखता है, मुझे कहने वाला, अपने काम से काम रखना। एंड मॉनसून अराइव्ड, मॉनसून सेशन इन पार्लियामेंट। वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। वैसे इस गर्मी पे योगी जी का वो डायलॉग याद आ गया, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। नो नो, देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल, बट या मॉनसून इज देयर एंड पीपल आर एंजॉयिंग। ये देखो हमारे भारत का भविष्य कैसे डुबकी लगा रहा है। गरीबी को मैंने जिया है। नो, ऑनेस्टली एज फार एज रेन इज कंसर्न्ड, बी रियली केयरफुल। चेक दिस आउट, गया। दिस इंटायर मॉनसून इज फॉर लवर्स। बारिश का मौसम होता ही प्यार करने वालों के लिए। इन दो प्यार करने वालों को देखो कैसे उभरेंगे। और इस बारिश में कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुजरात के दो बच्चे, इनसे मिलिए। मारू नाम से देश, आनू नाम से अल्पेश। इट इज अ बिग हेल्प, ट्रस्ट मी, इट्स अ बिग हेल्प। लुक व्हाट दे आर डूइंग। बहुत सारी जगहों पे होता है भारत में, क्योंकि बहुत अच्छी रोड है हमारे, तो पानी की वजह से नंबर प्लेट गिर जाती है, फिर लोगों को पता नहीं चल पाता कहाँ गिरी है। बच्चे उन नंबर प्लेट्स को उठा के साइड में रख देते हैं ताकि लोग आके ले जा सके। इतना ही करना बहुत कुछ है। गोल्ड ऑफ द वीक। सर ये तो गोल्ड है। एंड इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, दिस सॉन्ग ऑफ ब्रह्मास्त्र। रब्बा ने तुझको बनाने में। Song is good. People are having problem with the word love story. Love story. आप कुछ और लिख लेते यार, खैर जो भी है, पर क्या बढ़िया गाना है यार, प्ले करो। कर दी है उसने की। और ये क्या हुआ? जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? प्रीतम सुप्रीमेसी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। And this week specially Kareena Kapoor's name was trending. किसी की personal life में लोगों को झांकना ज़्यादा नहीं चाहिए, पर फिर भी she is open about it and people are talking about it and she is okay with it. And it was about the rumor of her third child. भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? थोड़ा आराम से। बहुत गंदी जगह है। हाँ बहुत गंदी जगह है। No, but it was a rumor. That's it. यार अब कितने लोगों की शादी है? रणबीर आलिया are also married. They are going to get their first child and Kareena is also having 2 kids. भाई। बट भाई हैविंग अ ह्यूज सपोर्ट ऑफ हिज फैंस। तो हम लोग भाई की शादी करा के ही मारेंगे, एकदम ऐश्वर्या जैसी दिखती है भाई। रुकिया शो गाइस, लाइक फॉलो सब्सक्राइब, सदा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान। एंड यस वन मोर टाइम बिफोर आई गो, लेट मी टेल यू, इफ यू यूज दिस कूपन कोड यू विल गेट 50% डिस्काउंट ऑन कोको FM। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। किसी ने कितना सही कहा है, कितनी बार ये बात मैंने कही कि मैं जितना दुनिया को समझता हूँ उतना मुझे अपना कुत्ता अच्छा लगता है, लेकिन कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता। लेकिन इंसान को देखो, कुत्ते की वफादारी भी टेस्ट कर रहा है, चेक तो करो। What the fuck is going on here?